हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिटायर्ड पंजाबी। और महाराजाओं की नगरी मैसूर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2 दिन की कैंपिंग ऊटी में करने के बाद खूब मज़ा लिया हमने नेचर का, और अब हम पहुंच चुके हैं एक सिटी में जो कि मशहूर है अपने पैलेस के लिए। पूरे वर्ल्ड में फेमस पैलेस है ये महाराजा पैलेस, जिसे अब मैसूरू पैलेस कहते हैं। अपनी कैंपर वैन में रुकते हुए हमें कई दिन हो गए हैं, और 2 दिन ऊटी में भी हम टेंट में ही रुके थे। तो कपड़े वॉश करने थे हमें, कपड़े वॉश करने के लिए हमें एक गेस्ट हाउस लेना है, और मैसूर में हमारे ऑफिस का एक गेस्ट हाउस है जो मुझे मिल गया है। तो यहाँ पर पहुँच कर हम सबसे पहले बनाते हैं अपना लंच, और उसके बाद धोएंगे कपड़े। और हम बना रहे हैं यहाँ पर गर्मा गर्म नूडल्स, और नूडल्स के लिए ये जा रहे हैं प्याज, प्याज हो गया ब्राउन, देखो डाल दें इसको। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसमें नूडल्स की एक बात और अच्छी है कि इसमें मसाले नहीं डलते, खाली नमक और मिर्च डलता है, और टेस्ट अपना रहता है उसका। बस हो गया टमाटर तो बस हम इसमें डाल देते हैं नूडल्स और पानी, देखो बहुत है, थोड़ा थोड़ा सा इसको बीच में टमाटर के कर लिया हमने फ्राई, और अब जाएगा इसमें पानी। फ्रेंड्स, नूडल हो गई है रेडी, इसको लेके चलते हैं अपने रूम में। भाई भूख लगी हो ना तो चीज़ और भी बढ़िया लगती है, और बिल्कुल मज़ा आ रहा खाने में। मैसूरू पैलेस की जो एंट्री है 5:30 बजे तक ही होती है शाम को, उसके बाद फिर एंट्री बंद हो जाती है। और जो इल्यूमिनेशन है उसके ऊपर जो लाइटिंग होती है वो 7 बजे होती है, और जब महल की लाइटिंग ऑन होती है तो इसकी खूबसूरती ज़बरदस्त होती है, देखने लायक होती है। तो देखते हैं, ट्राई मारते हैं, अगर आके और पहुंच पाए टाइम से तो देख लेते हैं, अदरवाइज़ फिर इल्यूमिनेशन तो देखेंगे। हम जा रहे हैं मैसूर महल देखने के लिए, जिसको कि पहले क्या कहते थे, महाराजा पैलेस कहते थे शायद। हाँ, जब हम 35 ईयर्स पहले आए थे तब उसको कहते थे महाराजा पैलेस, और अब उसका नाम बदल के उसको कर दिया मैसूर पैलेस। हम लोग टाइम से पहुंच गए हैं और पैलेस में हमने एंट्री ले ली है। एडल्ट्स के लिए टिकट है 100 रुपीज़ और बच्चों के लिए है 50 रुपीज़। तो चलते हैं पैलेस में। ये है मैसूरू पैलेस, हमने मेन गेट से एंट्री ली है, बिल्कुल फ्रंट वाले गेट से, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ऊपर गोल्ड का गुंबद है, और अंदर सुना है कि बहुत ही बढ़िया आर्किटेक्चर भी देखने को मिलेगा और कलाकारी देखने को मिलेगी। बहुत सुंदर कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। हाँ जी, कैसा लग रहा है वैसे देखने में? अच्छा लग रहा है। एक वो हो गई है हमारी कि हम संडे को यहाँ पहुँचे, और लाइट एंड साउंड शो नहीं होगा आज। हाँ, है? वो नहीं होगा। ऐसा ही है ना? अच्छा, हम खड़े हैं बिल्कुल मैसूरू पैलेस के सामने, और बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है। इस समय मौसम भी इवनिंग में बहुत बढ़िया हो गया, शानदार है। मेरे को लग रहा है यहाँ टिकट चेकिंग हो रही होगी। ओके, टिकट हमने थ्रो तो नहीं की, इसीलिए अच्छा किया। गुंबद कितना ब्यूटीफुल है यार, वो सामने से जाके एक बार ले लेते हैं उसकी फोटो, क्योंकि अभी कैमरा फिर अंदर हो जाएगा डिपॉजिट। ऊपर के गुंबद रेड है, और सेंटर का गुंबद जो है गोल्ड का बना हुआ है। दूसरी तरफ से जब मैंने इसका वीडियो लिया था तो उसमें दिख रहा था। और ये अंदर पूरा रोज गार्डन है, 7 गेट्स है ना, लेकिन मेन एंट्री पॉइंट 3 है शायद से, जहाँ से टिकट मिलती है ना। महल के अंदर एंट्री करने के लिए शूज उतारने पड़ेंगे, क्योंकि शूज अलाउड नहीं है, और यहाँ शू काउंटर भी बना हुआ है। मैसूर महल, जिसे अंबा विलास महल के नाम से भी जाना जाता है, भारत के कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर में स्थित एक ऐतिहासिक महल है। यह महल अपनी वास्तुकला और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। मैसूर महल का निर्माण 1897 में शुरू हुआ और 1912 में पूरा हुआ। इसे वास्तुकार हेनरी इरविन द्वारा डिज़ाइन किया गया था। यह महल वाडियार राजवंश के शाही परिवार का निवास स्थान था। मैसूर महल इंडो सैरासेनिक शैली में बनाया गया है, जो भारतीय मुस्लिम और राजपूत शैलियों का मिश्रण है। महल में 3 मंजिलें हैं, और इसका गुंबद गुलाबी रंग का है। महल के भीतर की सजावट सोने की पत्ती, लकड़ी की नक्काशी और चमकीले रंगों से भरी हुई है।
यहाँ वडियार शासकों के दरबार लगाए जाते थे। हॉल की छत और स्तंभों पर की गई नक्काशी अद्भुत है। महल के एक हिस्से को संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है, जहाँ शाही वस्त्र, आभूषण, चित्रकारी और अन्य ऐतिहासिक वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। हर शाम महल को रोशनी से सजाया जाता है और एक लाइट एंड साउंड शो का आयोजन भी किया जाता है, जो कि महल के इतिहास और संस्कृति की कहानी बताता है। मैसूर महल हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ आने वाले पर्यटक महल की भव्यता, संस्कृति और इतिहास को अनुभव कर सकते हैं। मैसूर महल न केवल अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए, बल्कि अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। यदि आप कभी कर्नाटक आएं, तो इस अद्वितीय महल को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत ही जबरदस्त कलाकारी है, और ये जो स्तंभ है, इनके ऊपर जो चित्रकारी है और जिन रंगों का इस्तेमाल किया गया है, बिल्कुल अद्भुत है। कलर कॉम्बिनेशन इतना जबरदस्त है कि आंखों को बिल्कुल चुभता भी नहीं है, और देखने में बहुत ही सुकून देने वाला महसूस होता है। हम लोग जब हमारी शादी हुई थी 1989 में हम आए थे, मेरे को लगता है कि लगभग 35 साल हो गए, लेकिन अभी तक वो पुरानी स्मृतियाँ भी थोड़ी थोड़ी हमारे पटल पर मौजूद थी। और दोबारा से जब हमने इनको देखा, तो जैसे रिकॉल करता है आदमी, वो सभी दृश्य दोबारा से हमें पुराने भी याद आए, और यहाँ देखकर तो बहुत ही अद्भुत आनंद दोबारा से हमें प्राप्त हुआ। क्या खूबसूरत है, नहीं मज़ा आ गया देख के। हाँ, नज़र जड़ाव वहीं अटक जाती है। ये मेरा ख्याल जो, हाँ वो ऊपर झरोके हैं, मेरे ख्याल रानियां वहाँ बैठती होंगी, नीचे सारे सभासद बैठते होंगे, मंत्री वगैरह यहाँ पर, है ना। राजा का बैठने का स्थान दूसरी तरफ होगा। ये आभूषण जो आपको दिख रहे हैं, ये हैं हाथियों की साज सज्जा के लिए। हाथियों के आभूषण हैं और इतने खूबसूरत हैं, शायद इंसानों के पास भी ऐसे सुंदर आभूषण नहीं होंगे। मैसूरू पैलेस को अंदर से अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग आ गए हैं बाहर, और अभी बाहर लाइटिंग नहीं हुई है पैलेस की, अंदर तो कुछ लाइटें दिख रही हैं। हम लोग बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि जो मैसूरू का पैलेस है उसमें फुल इल्यूमिनेशन हो जाए। अभी कुछ कुछ लाइटें जलनी शुरू हो गई हैं। हम लोगों ने एंट्री करी थी लगभग 5 बजे, और 6 बजे तक हम अंदर पूरा जो महल है ये देख के आ गए थे। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, ज़िंदगी में ऐसा खूबसूरत महल हमने नहीं देखा। जो अंदर कारीगरी है, जो हैंडमेड पेंटिंग्स लगी हुई हैं, मार्वलस। और जो कलर है, और जो कलर है उनके अंदर, ओए होए मैं कह रहा हूँ, बस बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कह ही नहीं सकते उसके बारे में। आखिरकार हमारी इंतज़ार की घड़ियां हो गई ख़त्म, और पैलेस जगमगा उठा है खूबसूरत लाइटों से, और बहुत ही अद्भुत दृश्य है। शायद इंडिया का सबसे खूबसूरत अगर कोई ऐतिहासिक किला है, तो वो मैसूरू का किला ही हो सकता है। इसकी भव्यता देखने लायक है, चकाचौंध हो गई हैं हमारी आँखें इसको देखकर। जो लोग दिन में आते हैं इस पैलेस को देखने के लिए, वो ये सब नहीं देख पाते हैं, सच में बहुत कुछ मिस करेंगे।
पैलेस देखकर अब जा रहे हैं वापस। महाराजा पैलेस बहुत ही खूबसूरत था, लाइटिंग देखने के लिए हमें एक घंटा और वेट करना पड़ा क्योंकि 6 बजे हम लोग अंदर तो देख के आ चुके थे। तो अब जाके देखते हैं डिनर में क्या करेंगे। यहाँ ट्रैफिक दिल्ली की तरह तो खैर नहीं है, लेकिन है काफ़ी ट्रैफिक यहाँ पर। थके होने की वजह से डिसाइड करा हमने कि हम आज बाहर खाना खाएंगे और एक यहाँ के फेमस रेस्टोरेंट में जिसका नाम है समर्स वेज रेस्टोरेंट। तो आज का डिनर हमारा यहाँ होने वाला है। एरिया भी नीट एंड क्लीन लग रहा है। इस समय अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ इसलिए कुछ टेबल खाली हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर काफ़ी फुल हो जाते हैं सारी सीटिंग। काफ़ी अच्छा एम्बियंस है यहाँ पर। खाना बनाने का प्लान हो गया मैडम का आज कैंसिल, तो कैंपर वैन को आज देंगे रेस्ट। yes. और आज का डिनर होगा यहीं। अभी मेन्यू कार्ड मांगते हैं भैया से क्या क्या है मेन्यू यहाँ पर। मेन्यू कार्ड आ गया है। साउथ इंडियन लेना है या नॉर्थ इंडियन भी है? हॉट बेवरेजेस डोसा वगैरह? मैं तो साउथ इंडियन। अभी ऑर्डर हुआ है हमारा क्या कहते हैं हनी चिली पटेटो और एक रमा डोसा। तो देखते हैं कैसा टेस्ट है। रेस्टोरेंट तो अच्छा लग रहा है यहाँ पर। डेजर्ट का भी डिसाइड कर लो फिर देखते रहेंगे बाद में। कर तो लिया आपने डिसाइड। अच्छा वही और मसाला डोसा आ गया। प्रेजेंटेशन इज़ गुड, बिल्कुल क्रिस्पी और शाइनी है। साउथ में मैंने ये देखा सांभर की क्वांटिटी कम देते हैं, बट डोसा तो मस्त लग रहा है देखने में। वेरी टेस्टी, क्रिस्पी, डिफरेंट। सर्विस इज मार्वलस, फूड इज मार्वलस, प्रेजेंटेशन इज गुड, रेस्टोरेंट इज गुड, स्टाफ इज वेरी गुड। 5 out of 5 रेटिंग इज 5 out of 5। हनी चिली पटेटो भी आ गया, इसको भी टेस्ट कर ले थोड़ा सा। हाँ क्रिस्पी लग रहा है वैसे। बढ़िया, तो कल हम जा रहे नहीं तो एक दिन और ट्राई मारते हैं। फ्रेंड्स मुझे कभी भी साउथ में डोसा पसंद नहीं आया, फर्स्ट टाइम है कि डोसा इतना टेस्टी इतना क्रिस्पी लगा, शायद दिल्ली में भी कभी नहीं खाया। डेजर्ट में मंगाया है हमने काशी हलवा, दैट इज़ मेड ऑफ पम्पकिन। काशी हलवा आ गया है, देखने में कुछ डिफरेंट सा लग रहा है। किसने बना हुआ है? काशी फल का बना हुआ है। वेरी टेस्टी, मजा आ गया। कोई वैसे मुझे कहे ना पम्पकिन का हलवा खा लो, कभी ना खाओ। पंजाबी में काशी कहते हैं ना पम्पकिन को, मेरे ख्याल इसीलिए इसका नाम भी काशी का हलवा है, काशी फल से बना हुआ है। ड्राई फ्रूट्स भी डले हुए, शुगर का लेवल भी उतना जितना अच्छा लगता है, ना कम ना ज़्यादा। महाराजाओं और सुल्तानों की नगरी में आए तो आज का डिनर भी हमारा महाराजाओं वाला हो गया, इतना टेस्टी ग्रैंड डिनर हो गया। कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत हैवी खा लिया हो यहाँ। सर्विस भी इतनी अच्छी थी कि बस मज़ा आ गया। आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा निकला, रहने के लिए भी अच्छी जगह मिल गई और देखने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत महल मिला। और आपको भी यह महल अच्छा लगा होगा, आपको इस महल में सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।